आज फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव एक ही फ्लाइट से गए हैं वो लोग वो तो पीछे पीछे बैठ गए संजोग था ना पीछे था था कि पहले से प्लानिंग था। ना ना विकास की चिंता है आप चिंता करिए जेल में विशेष गांधी जी तीस लाख बोलते थे एक करोड़ बोलते थे जरूरत कहा पड़ती है बताने का ये दो हजार पांचे से रोड पर राजनीति में चौकाने तो वाला रिजल्ट था उम्मीदवार थे तीन दिन वहां रहे बेचारे ईर्ष्या द्वेश का दवाई खोजते रहे नहीं मिला नमस्कार इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू के साथ में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ में हैं बातचीत करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था देश भर से चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आएगा चौंकाने वाला रिजल्ट कितना सामने आए इसे जानने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते हैं नीरज जी सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका देखिए तेजस्वी यादव जी राजनीति में दो में बहुत मानसिक तनाव में थे जी और उन्होंने यह कहा था कि बिहार में चौकाने वाला रिजल्ट आएगा बिहार में नहीं देश भर में नहीं बिहार के बारे में भी उन्होंने संदर्भ देश में ना बिहार है तो बिहार में चौंकाने वाला तो रिजल्ट आ गया लेकिन देश में भी चौंकाने वाला रिजल्ट तो आया है ना? नहीं मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको तो माननीय तेजस्वी यादव का इतना प्रभाव है कि नीचे से फर्स्ट कर गए पूर्णिया में बीमा भारती उम्मीदवार थे तीन दिन वहां रहे बेचारे ईर्ष्या द्वेष का दवाई खोजते रहे नहीं मिला उसके बाद भी इनके उम्मीदवार को सत्ताईस हजार वोट आया है सत्ताईस हजार बीस अति पिछड़ा समुदाय के चूंकि राजनीति के सामंत लोग लो। दावा यह कर रहे थे कि हमने पांच लाख नौकरी दिया तो चारे लोग सब हमें बांटे थे नौकरी तो चार गो चौकाने वाला में चार आया इनके पक्ष में और चार की जरूरत कहां पड़ती है बताने का है नहीं तो सर्वविदित है एक ही बार जरूरत पड़ता है चार आदमी का इशारा किधर है आपका नहीं राजनीति में नहीं राजनीति में जब उसको पहुंचाया जाता है ना तो चारे का जरूरत पड़ता है अभी देखिए इनका हालात क्या है अब भी कह रहे हैं कि वोट मेरा बढ़ गया आपका वोट बढ़ते रहे सीटवा मेरा बढ़ते रहे ये चलते रहेगा तो ये कैलकुलेशन लालू जी करते रहते थे तो लालू जी 2025 है रोड पर 2024 में ये नौकरी का वादा कर रहे थे 2019 में तो नौकरी तो का क्रेडिट है यही तो यही तो दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी तीस लाख बोलते थे एक करोड़ बोलते थे तो कौन कितना झूठ बोल रहा है आश्वासन दे रहा है तो तय हो रहा था हम लोग बार बार उठ हम रहे थे नौकरी पर आप पर कौन भरोसा करेगा भाई आप नौकरी के लिए जमीन लिए हुए हैं आपके नाम से जमीन है तो आपके आप कैसे इस बात को साबित कर पाइएगा इसलिए तेजस्वी यादव पर लोगों को भरोसा नहीं और कांग्रेस का जैसे राजनीतिक अपमान किया कांग्रेस पार्टी का तो स्वाभाविक दुर्दशा होना था अब तो औकात समझ में आ गया ना कि कांग्रेस के बराबर में है आरजेडी नीरज जी आप लोग भी लगातार नारा दे रहे थे कि अब की बार चार सौ पार चार सौ बार तीन सौ पार भी नहीं हुआ बिल्कुल यह सही है कि चार सौ पार तो क्या कहते कि तीन सौ गो सीट जीतेंगे ऐसा कोई कहता है लेकिन हम ये तो जरूर कर रहे थे कि अगली बार तीसरी बार मोदी सरकार तो, तो हो गया उसमें भी कोई कंफ्यूजन है ऐसा थोड़ी कोई कहता देता है कि नहीं हम एक सीट नहीं जीतेंगे तेजस्वी यादव जी का जलवा का क्या हुआ पूर्णिया टेस्ट था आपका तीन रात रहे थे वहां दिन तो रात रहने के बाद चौक वाला रिजल्ट का दावा था चौक गए ना आप रात में चौक जाते होंगे एक बैग सोते सोते चार ही सीट आया हम तो कह रहे थे चालीस में पच्चीस तीस आएगा क्या क्या भ्रमजाल इन लोगों ने पैदा किया अभी प्यार उमड़ गया है इनको नीतीश जी के प्रति इनके परिवार के लोग तेजस्वी तो, तो बयान दिया था कि तारीख के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं लेंगे ही फैसला लिया ना जनता ने फैसला ले लिया एनडीए का तो आज फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव एक ही फ्लाइट से गए हैं वो लोग अरे वो तो पीछे पीछे बैठ गए संजोग था ना पीछे बैठक पहले से प्लानिंग था ना ना न न संजोग से सारा करता है नहीं सारा कुछ नहीं है सारा इसका राजनीतिक निहितार्थ है कि तेजस्वी यादव जी पहले भी राजनीतिक पिछले थे आज भी प्रयास कर रहे हैं ता अपने पापा अपने बहन अपने भाई सबसे जरा पूछिएगा ना किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे नीतीश कुमार जी की भूमिका को ही नकार रहे थे कह रहे थे पार्टी खत्म हो जाएगी अब माथा पर बैताल जी साब गया जेडीयू अब परेशान होंगे ना अरे अभी तो ट्रेलर दिखाए तो आपके भी घट गई है बिहार में नहीं घटा है सीट कहा से हम इनकार कर रहे हैं हम तो पीक पर गए थे उनचालीस पीक जो था और आज हम उसके घटे हैं हम समीक्षा करेंगे ये हम दावा कहा हम कहाँ दावा कर रहे है? कर रहे हैं इस ढंग का दावा कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं अभी भी चारों सीट बोला जीतने पर कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत मेरा बढ़ गया खूब प्रतिशत बढ़ाते रहे अठवा नौवा वाले और सीट हमारा बढ़ते रहे जैसे कि आप बारह सीटें आई तो केंद्र में ज्यादा दावेदारी आप कर सकते हैं अब इस संबंध में पार्टी के, के केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सक्षम हैं कौन सी कार्यनीति अपनाई जाएगी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के सी त्यागी जी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि हम एनडीए के पार्ट हैं क्या डिप्टी सीएम से नीतीश कुमार नहीं मिले हैं कल जिस तरीके से खबरें फ्लैश हो रही थी कि डिप्टी सीएम एम समाट चौधरी मिलने के लिए गए थे नीतीश कुमार वक्त ही नहीं थे उनसे मिलने की गलत खबर है ये यह गलत खबर है चंद्रबाबू नायडू की डिप्टी नीतीश कुमार से बात हुई है क्या इस संबंध में हमारे हमको कोई थोड़ी बातचीत होता है ना पूरी खबर चली फिर से अरे भाई मार सबसे मार्केट अपना लोग बढ़ाता है कि हमको जानकारी है इसका कोई किसी को नहीं जानकारी रहेगा रहे अंतिम सवाल क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं क्या नहीं सलट दिए नीतीश कुमार जी का नाम अब नामाकरण होना चाहिए विरोधियों को सलटाते कैसे हैं राजनीति के दुश्मनों को सलटाते कैसे हैं इसके बेस्ट एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार करके बिहार में दिखा दिया कि चौंकाने वाला रिजल्ट दिया चार आया चार का निहितार्थ क्या होता है कि कि जग जाहिर है तेजस्वी यादव ने बयान दिया सरकार भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता है हमें बिहार आज का का विशेष राज्य दर्जा चाहिए नहीं हमको हमको बिहार के विकास की चिंता है आप चिंता करिए जेल में विशेष दर्जा का आप कहाँ विशेष दर्जा के चक्कर में जाने वाले हैं नहीं जेल में भी स्पेशल कैटेगरी मिलता है मेले मेले रहता है उसको मिलता है हो सकता है वो स्पेशल जेल वाला बोलते बोलते विशेष दर्जा बिहार का निकल गया होगा मुँह से चलो तो शुक्रिया नीरज कुमार थे जी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जेल जाने का व्यवस्था कीजिए विशेष राज्य के दर्जा की चिंता छोड़ दीजिए और बिहार का विकास लोग देख लेंगे चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही अब बने रहे है पंचायत साथ तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया